वेलकम बैक। और अदनान, और बताओ क्या चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स इकट्ठा होकर उन्होंने काम किया है। तो कब सोच रहे हो? अर्शद ने भी किया उसका। रिलीज कब सोच रहे हो तुम इसकी? मैं तो कहता हूँ कि अब तो हालात खुल गए, मैं तो अभी कर दूंगा इसको। कितना काम रह गया इसका? मुश्किल से एक दो दिन का काम रह गया। मैं तो अगर मिला तो मैं तो दिसंबर में कर दूंगा रिलीज। लेकिन अदनान को मूवीज का कैसे आया? लाइक व्हाई मूवीज? जहां ड्रामे इतने हिट हो रहे हैं, मूवीज आर रिस्की बिजनेस। ऑफ कोर्स इट इज, इट इज। बट हर प्रोड्यूसर की एक ख्वाहिश होती है कि उसके क्रेडिट में मूवी भी आए। अच्छा, तो वो आ गया दिमाग। ख्वाहिश के लिए तो मैं तुम्हें जानता हूँ नहीं करते तुम, तुम्हारा पैशन भी बहुत है। नहीं, पैशन डेफिनेटली है, मगर हर कोई मुझसे ये कह रहा है कि फिल्म कर रहे हो तुम, नहीं हो उसमें। मैंने कहा यार मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये कैसे रोका? क्योंकि मैं, मेरी जरूरत नहीं थी उसमें, उस किरदार में। वो एक्टर तो नहीं है जो पूरा एडिट भी कराते हैं तो अपना ज्यादा रोल रखते हैं। तो तुमने मेरे ख्याल में देखो, अगर होता ऐसा किरदार तो मैं जरूर करता उसका। अच्छा। मैं ही करता और किसी को आने भी नहीं देता मगर वो मेरा किरदार ही। पोस्टर में भी कोई आता है? पोस्टर में भी तो मैं आता, मैं जब जो हर चीज होती है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं यार, अगर मौका मिला है तो व्हाई नॉट, करना चाहिए। तो वो इस वजह से वो किरदार ही नहीं था मेरे लिए, तो इसलिए मैं। पांच साल क्या देखते हो मूवीज? नेक्स्ट फाइव इयर्स? यार पल भर की खबर नहीं, हम पांच साल की प्लानिंग करके बैठ रहे हैं। नहीं, मैं लेकिन तो फिर भी तुम्हारा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि सिनेमा को तो हुकूमत बड़ा सपोर्ट कर रही है और करती रहे आ रही है, और इसकी वजह से सिनेमा सिनेप्लेक्स बने भी। थोड़ा सा प्रोड्यूसर्स की तरफ भी थोड़ा सा शफकत भरा तो हाथ होना चाहिए। इंडस्ट्री बन रही है या नहीं बन रही? मुझे तो लग रहा है कि कोई इसमें इंडस्ट्री नहीं है। बननी तो चाहिए, अब इसकी एक शनाख्त होनी चाहिए, वो अभी तक तो नजर नहीं आ रही। बट आई गेस अभी ये जितने जो पुराने प्रोड्यूसर्स हैं उनकी भी मीटिंग हुई है बड़े लोगों से मीटिंग हुई है। मुझे लगता है कि कुछ कुछ होने वाला है, होने वाला है बिल्कुल। तो नेक्स्ट फाइव इयर्स में तो, यार लेकिन हमारी तो सात आठ फिल्में साल की आती हैं। अब तुम लोगों की मेहरबानी से मेरे ख्याल में ये जो है बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बढ़ना पड़ने के लिए स्क्रीन्स भी ज्यादा चाहिए ना। अगर अभी वो रुझान नहीं हो रहा, बन जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी थोड़ी सी है प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कहता कि नहीं प्रॉब्लम है, बट अब मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि जो बड़े यही तो सुनना है सर, आप जो आपका विजन बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, उनको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा हमारे लिए। देखिए उन्होंने तो अपनी एक जगह बना ली है। वो तो आपके दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, सब सारे दोस्त हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो ना करें, बिल्कुल करें, वो जो उनका दिल चाहता है उनकी फिल्म है। मगर जब बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो अंडा दे या बच्चा दे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात तो आपने सही। तो वो गर्मियों में आए या सर्दियों में आए या ईद में आए या बकरीद में आए, वो चल जाएगी उनकी फिल्म। मगर एक प्रोड्यूसर भी है, उसको भी कमाने का हक है, वो भी चाहता है। तो ये थोड़ा सा नए प्रोड्यूसर्स बनाने के लिए उनको कुछ ईदेन देनी पड़ेगी, ईदेन देनी पड़ेगी ना। अच्छा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा यार, ये गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे, जैसे मैं इंडिया की मूवीज़ के बारे में बताऊं, हमारे साथ तो बेचारे जो एक्टर्स हैं वो ज़िंदगी भर कमाते हैं और प्रोड्यूसर बन के मूवीज़ पे पैसे लगाने लगते हैं। इंटरनेशनली तो यार एक एक कंसोर्टियम बनता है और लोग पैसे डालते हैं और मूवीज़ बनती हैं। यहाँ तो रिस्की इतना होता है कि आदमी कहता है यार ये ना हो कि मैंने सारी ज़िंदगी जो कमाया वो चला ही जाए। उसकी बात यह आसिम कि हम फिल्म बनती हैं, हमारे पास एक हमारा एक बजट भी है, मगर फिल्म का एक मैकेनिक्स बड़े डिफरेंट है। अगर मैं 10 रुपए की फिल्म बना रहा हूँ, 15 रुपए का बिजनेस करूँगा तो मेरा ब्रेक इवन होता है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें फिल्म कितनी की बनानी है। हम हमारी मार्केट इतनी बड़ी अभी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करे बड़ी हो जाए। दूसरी चीज़ जहाँ आप कंसोर्शियम की बात कर रहे हैं, जब रिकग्नाइज्ड होती है ना इंडस्ट्री, तो देखिए आपको फिल्म के लिए कोई भी जो फिल्म मेकर होता है दुनिया भर में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पीछे फाइनेंसेस होता है। यहाँ क्यों नहीं? यहाँ इसलिए नहीं आते कि उनको बैंक गारंटी नहीं मिलती। देखिए
फाइनेंसर आना और इन्वेस्टर आना दो डिफरेंट चीज है. एग्री. फाइनेंसर तो मिल जाएंगे आपको एक दो, फौरन पैसे मांगेंगे अपने, फौरन मांगेंगे. जो इन्वेस्टमेंट करता है वो लॉन्ग टर्म सोचता है. वो ये नहीं सोचता कि यार मैं इससे कमाऊं ये कुछ. सो यू नीड इन्वेस्टर्स. तो कहां से आएंगे? कहां से वो आएंगे? जब अगर आप उनको गारंटी देंगे उनके पैसों की, तो गवर्नमेंट देगी. सोवियन गारंटी गवर्नमेंट इसीलिए नहीं दे पा रही ना, क्योंकि अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुई है ये इंडस्ट्री. यार लेकिन सिनेमा टूट टूट के प्लाजे बन गए हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें बन गई. तो दोबारा ये सिनेमा का आया है, दौर आया है. तुम मैंने सुना है कोई ड्राइव इन भी बना है लाहौर के अंदर. मैंने भी और सुना. इस हालात में और सिनेमा खुल रहे हैं SOPs के साथ अगर खुलेंगे, मुझे लगता है कि दोबारा एक आवाम का रश आएगा फिल्मों की तरफ और बहुत जरूरी है. और आपकी फिल्म कब एक्सपेक्ट करें, दिसंबर या जनवरी? मैं तो कह रहा हूँ मेरी अगर आज तैयार हो जाती और आज परमिशन मिल जाती तो कराई भी आपने क्या इसकी भी इफेक्ट्स और एडिट और ये सब? हाँ, सब कंप्लीट है. सॉन्ग्स वगैरह सॉन्ग सब कंप्लीट है, सिर्फ थोड़ा सा एक दो दिन का मेरा पैच वर्क रह गया बस. अच्छा, बस वही काम. तो डोंट यू थिंक मार्केट इज ड्राई? अभी आप फेंकेंगे तो एकदम से मूवी? पता नहीं है अल्लाह. ये तो मूवी एक ड्रामा है, बहुत बड़ा गैम्बल है. ये तो हमेशा से गैम्बल रहा है, ड्रामा हो या फिल्म हो, ये पता नहीं होता कि कब चलना है या नहीं चलना है. लेकिन अदनान को क्या पसंद है, मूवी पसंद है या ड्रामा पसंद है? अदनान की पर्सनल अगर पूछा जाए कि यार मैं मुझे टीवी स्क्रीन से ज़्यादा मज़ा आता है या ये बड़ी स्क्रीन पर ज़्यादा अच्छा लगता? अच्छा, बड़ी स्क्रीन का तो मुझे कोई तजुर्बा है नहीं इतना. अच्छा, मैंने ज़्यादा काम टीवी पे ही किया है और बड़ी स्क्रीन पर कोई लेता ही नहीं है. मुझे समझ ही नहीं आता कि क्यों नहीं लेते. पूछा है दो लोगों ने, लेकिन वो मूवीज इस टाइप की भी नहीं होती ना. करेक्टर पूछा है दो लोगों ने पूछा है, मगर वो कैमियो के लिए. आप सोचें, आप मौला जट. अरे क्या मैं सीरियसली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मौला जट. मैं यही पूछने वाला था. दूसरा सवाल क्या, आप क्या एक्सपेक्ट? मुझे तो लगता है कमाल करेगी वो फिल्म, है ना, कमाल करेगी. जबरदस्त डायरेक्टर, स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर, विजन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टर्स. फवाद है, फवाद है, फवाद मतलब अल्लाह ताला ने क्या नहीं दिए उनको, आवाज दे दी, शक्ल दे दी, अदाकारी भी दे दी, किस्मत भी दे दी. किस्मत भी दे दी, ठीक है जी. तो माशाल्लाह हमारे कम काम नहीं करते यहाँ के हिसाब से जो करना चाहिए. काम तो भी शुरू किया है उसने. हाँ, अब इन हालात की वजह से वो थोड़ी सी फिल्में रुक गई है, बट आई थिंक हर एक अदाकार या प्रोड्यूसर या किसी की एक अपनी चॉइस होती है. अगर उसके लिए वो सोचता है कि और माइन्यूट डिटेल्स के अंदर जाता है वो कि यार ये मैं करना चाहता हूँ, तो ये उसका हक है यार. हक है, बिल्कुल सेवा. और वो उनका जगह से वो आए थे और जहीन आदमी है वो, तो अगर जो भी काम करेंगे तो सोच के करेंगे वो. टाइमिंग बड़ी, उन्होंने सोचा होगा तो सोच के ही वो कुछ कर रहे हैं. हम्बल भी हैं, बहुत बहुत. आई ऑनेस्टली थिंक के आई थिंक अल्लाह ताला ने उनको इज्जत भी इसीलिए दी है और इसीलिए उनका यू नो उनका एक वो भी है, बट थोड़ा काम कम करते हैं ये शिकायत मेरे ख्याल में. देखो, काम कम करना, ज़्यादा करना, ये उस एक एक्टर की अपनी चॉइस होनी चाहिए. और अगर वो बहुत सिलेक्टिव है तो कोई रीज़न ही होगा ना. वो चाहता होगा जब अगर मैंने इतना अरसा एक ब्रेक दे दिया तो मैं जब आऊँ तो कोई अच्छी चीज़, तो कोई तो रीज़न हो आने का. चलो मौला जट होगी. लुकिंग फॉरवर्ड क्या कर रहे हो? कौन सी टिच बटन आ रही है? एक और फिल्म आ रही है, मनी बैक गारंटी आ रही है भाई, और सारी जो जी फिल्में हैं सबसे ज़्यादा तुम्हें लगती हो, चाहे वो हमायों की हो, चाहे वो क्या कहते हैं एयर उसकी हो, फरहान सईद, ईमान अली भी है उसमें, चाहे वो फैसल कुरैशी की, चाहे वो फवाद की हो, ये सारी फिल्में मुझे लगता है बड़ी टक्कर की फिल्में होंगी इंशाल्लाह. ये आप देख रहे हैं कि हर दफ़ा बेहतर होती जा रही है इसकी स्टोरीज भी डिफरेंट आती जा रही है, मगर अभी भी मुझे लगता है कि हम एक ही ट्रेंड पे चल रहे हैं और जो चलना चाहिए अभी जो आवाम मांगती है वही दिखाओ उनको. लेकिन हम होप नहीं नहीं अभी ठीक है. मुझे लगता है जो तुमसे मेरी बात हुई, मैं अभी बता नहीं सकता कि मूवी माशाल्लाह तुमने जो बनाई कुछ डिफरेंट है उससे, और टिच बटन अलग है, मौला जट अलग है. डिफरेंट नहीं कहूँगा, मेरी मूवी पूरी मसाला है, पूरा मसाला है, पूरा मसाला है. उसके अंदर
रोमांस है, ट्रेजेडी है, मस्ती है, मस्ती है, हर चीज़ है। मस्ती नहीं कहूँगा, मस्ती नहीं। क्यों मस्ती? क्योंकि मस्त तो हाथी होता है, हम इंसान हैं तो हमारे पास बड़ा अच्छा मजा। हंसेंगे कब? कॉमेडी कब? कॉमेडी एलिमेंट भी है उसके अंदर। अच्छा सब आपको हर चीज़ मिलेगी, म्यूजिकल भी है। तो कोशिश ये की है कि जो आवाम को पसंद है वही बनाया जाए। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आउट ऑफ द बॉक्स होगी, जो एक मसाला फिल्म होती है वैसी है। अदनान साहब ये बताइए कि अदनान ने कभी जीरो देखा है? हाँ। माइनस देखा है? हाँ। क्या फील होता था? देखो फेलियर्स जो होते हैं ना जिंदगी में वो बहुत जरूरी है, वो इतने जरूरी क्योंकि फेलियर्स जो होते हैं इज द फर्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस। अगर आप नाकामी नहीं देखी है तो आपको पता नहीं कि कामयाबी क्या चीज है। तो हर जगह अच्छा और बुरा होता है। जब भी आप तायुन करते हैं कि ये चीज अच्छी है ये चीज बुरी है, अगर दोनों चीज अच्छी होगी तो आपको पता कैसे लगेगा? ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब। मैं तो डिप्लोमेटिक में बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम मुझे बताओ कि मैंने अपनी जिंदगी में माइनस भी देखा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ कि फेलियर्स बहुत जरूरी हैं। अब जरूरी नहीं है फेलियर्स काम ना मिलने पे हो, फेलियर्स के बहुत सारी शाखें हो सकती है। रिकग्निशन बड़ी देर में मिल सकती है आपको, आपको किरदार बड़ी देर में वो नजर आ सकते हैं आपको। फिल्म नहीं मिल रही मेरे लिए ये भी एक फेलियर है ना। हाँ। कि भाई क्यों नहीं फिल्म मिल रही मुझको? अच्छा लाइक तो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी ड्रामा हिट नहीं हुआ वो भी फेलियर है। लेकिन मेरा इस मैं स्पेसिफाई करूँ, सवाल थोड़ा सा डेप्थ में है, स्पेसिफाई करूँ कि जहाँ लगा यार बस अब यहीं तक था, ख़त्म हो गया या यही था, ये कभी आया है जिंदगी में या अल्लाह का शुक्र है सारा कंटेंट गया है क्या? ठीक है प्लस मेरे गम मेरे साथ बहुत दूर दूर तक गए, मेरे गम मेरे साथ बहुत दूर दूर तक गए, जब मुझ में थकन ना पाई तो मेरा साथ छोड़ गए। तो आपकी जो मेहनत करने की जो लगन है ना वो जिंदा रहनी चाहिए, और अगर ये लगन खत्म हो गई ना तो बस समझ लीजिए कि आप क्रोध खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो वो एक एक लगन ये होनी चाहिए और दूसरी लगन होनी चाहिए खूब से खूब तर, वो तो आपकी है ठीक है, और तीसरी लगन ये होनी चाहिए कि आप अपने काम से अगर मुतमईन हो रहे हैं सो दैट मींस कि आप इकोनॉमिक्स की एक टर्म है ना सेल्फ एक्चुलाइजेशन, उसमें जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, यहाँ रुक जाएंगे आप तो रुकना नहीं है। ये प्रोसेस क्रिएटिविटी जो है ना एक ऐसा प्रोसेस है कि रोज कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, हर लम्हे कुछ ना कुछ सीखते हैं आप अपने बड़ों से, अपने सीनियर से, और बहुत दफ़ा अपने जूनियर से भी सीखते हैं। बट मुझे मेरा मेरे मेरे जहन में एक चीज़ थी जो मैं देख सीखता भी हूँ लोगों से कि यार ये ग्रोथ जो है ये अदनान सिद्दीकी जो आज हम देख रहे हैं ना वो अदनान सिद्दीकी बहुत सारे मराहिल से गुजर के आए होंगे, ठीक है ना, उन्होंने काफ़ी चीज़ें कभी कभी ऐसा यू नो लगा कि यार बस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये ज्यादती हो गई, या कोई भी ऐसा रोल जो तुमने किया हो तुम्हें लगा यार ये नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, एनी रिग्रेट? देखो जब मेरे पास स्क्रिप्ट आता है तो ये मेरी जिम्मेदारी, जो अभी आप फवाद की बात कर रहे थे मैं उसी का जवाब आपको दे रहा हूँ। फिर अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब है कि आई हैव टू ओन इट, वेदर इट्स गुड और बैड, वो क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा, या डायरेक्टर बुरा काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है, मैं अब कुछ शिकायत नहीं कर सकता। ये पहले आपने सोचना था। और कितना टाइम लेते हो इसको पढ़ने में, डिसीजन लेने में? किसी से मेरी बात हो रही थी वो कह रहे एक दिन में पढ़ के हम मैं बता देता हूँ मुझे करना है या नहीं करना। नहीं मैं एक दिन तो पढ़ नहीं पाता। अच्छा मेरी डू यू इंडल्ज योरसेल्फ इन दैट रोल? ऑफ कोर्स यू हैव टू, यू हैव टू, आपको समझना पड़ता है, आपको यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस व्हाट एक्चुअली द स्क्रिप्ट इज, वेयर इज गोइंग, हाउ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्क्रिप्ट। सो एट टाइम्स यू बिकम लिटिल सेल्फिश एज वेल अबाउट योर पर्टिकुलर रोल, व्हाट आर यू सपोज टू प्ले देयर। मगर ये एक चीज हुई ना, मगर एक दफा जब एक्सेप्ट कर लिया
फिर ऑन करते तो हो, फिर ऑन करना है चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, फिर सपोर्ट करना है उसको, उस प्रोजेक्ट को। मैं ये नहीं कह सकता कि यार गलती की है मैंने करके, नहीं। मैं आज एक बात कह रहा हूँ, शायद मैंने पहले ये बातें की हैं और रियलाइजेशन भी खुद हुई, यलगार मैंने फिल्म की, जो कि मेरा, मैंने लोगों को कहा कि ज्यादती हुई मेरे साथ सब चीज़ों, अब वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब मेरे साथ ज्यादती हुई या नहीं हुआ, आई हैव टू ओन दैट। हाँ, लेकिन फिर भी अगर बताया, मुझे भी कोई चीज बताई जाए, जैसे मुझे भी, मैं भी फैब्रिक लेने जाता हूँ, बताया कुछ जाए और बाद में पहुंचाया वो फैब्रिक कुछ और जाए, तो हर जगह तो नहीं आप हर मिनट। मैं देखो, मैं उस फिल्म के हवाले से सिर्फ यही बात करूंगा, जो हाथी के दांत कुछ और थे, दिखाए कुछ और दिखाए कुछ कोई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा फेवरेट को स्टार जिसके साथ काम करके मजा आया हो, यार ये चीज यार अब मजा आया, फेवरेट वन, एक कोई जहन में हो, क्या वजह है उसकी? अच्छा, हमायूं के साथ बड़ा मजा आता है काम करने, वो तो मैं देखता हूँ। एक तो दोस्ती है, रिस्पेक्ट यू सो मच, तुम्हारे पीछे भी जब भी होता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ ग्रेट मैन, मैंने बहुत सीखा है उससे, और क्योंकि मैं जरा मुंह फट आदमी हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं बोल कहता हूँ कि अरे मैं हमायूं की तरह क्यों हूँ, मैं चुप क्यों नहीं रहता यार, मैं हाँ में हाँ क्यों नहीं मिला लेता, वो किसी को कुछ नहीं कहता, मगर जब टाइम आता है तो, कह भी देता है। मगर एक चीज़ दूसरे, उसके साथ काम करने में मजा आता है ना, ही इज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर, पैसे देने में थोड़ा लेट करता है वो दूसरी बात है, मगर सपोर्ट है। ये एडिट करना है या ये डाल देना? डाल दें को, मगर कमाल का सीरियल दे दिया मुझे उसने, मेरे पास तो वो। लेकिन यार ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो रिस्पेक्ट भी करता है, मेरे पास भी कभी बैठे होते हैं तो बात पीछे तुम्हारी करता है कि यार यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब इसमें। हमने उसकी देखे, एक एसोसिएशन है, हमने बड़ा साथ गुजारा है, हम साथ ट्रैवल कर चुके हैं, और जब आप सफर करते हैं, क्वारंटीन भी किया है ना, काफी दिन साथ किया है, और जब आप सफर करते हैं ना, तो आपको इंसान का पता लग जाता है। सही बात। एंड ही इज अ ग्रेट ट्रैवल पार्टनर। मैंने इनके साथ सफर किया है और मैं वेगस तक भी गया हूँ और एलए भी गया हूँ, मुझे इनका पता चल गया है कि ये आपको इतना एंटरटेन करते हो यार, तुम कसम से, वो बंदे को सफर का पता ही नहीं चलता। एक दफा मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने फ्लाइट के बजाय मैंने ड्राइव कर ली एलए से वेगस, वो डेढ़ घंटा जो फ्लाइट का था वो मिस कर गया मैं, मुझे आज तक याद है। मजेदार था वो, क्योंकि दोस्त अहबाब थे वो ट्रिप, यार याद रहेगा, सालगिरह थी हमारे दोस्त की, और जब उस जहाज में वो एरोसेस आई, उसने कहा प्लीज ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है, आप बहुत शोर मचा रहे हैं। फिर सुने तुम सोते से उठा देते, जहाज में बंदा सो रहा था, यार ये मुझे चाय क्यों नहीं दिया फ्लाइट में, तो थोड़ा सा तो ये वसीम बदामी के साथ हुआ था मेरा, तो वसीम बदामी और हम एक चैरिटी इवेंट करने के लिए, तो किधर गए थे हम? गए थे यूके। तो वसीम जहाज में बैठता नहीं हो, एकदम नींद आ जाती है उसको, तो वो सो रहा था, तो मैंने कहा सो गया वो, अब मैं जाग रहा हूँ जहाज में, मैं उसको उठाने गया, कहते हाँ, मैं ये चाय क्यों नहीं पिला रहे, कहते यार भाई पुत बुलाओ उनको जाके यार। फिर वो उसे मैंने थोड़ी देर में फिर वो सो गया, फिर मैंने उठाया, मैं ये जा कहा यार। बट तुम्हारी सबसे दोस्ती है, चाहे वो कोई एंकर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डिजाइनर हो, सभी रिस्पेक्ट करते हैं। और एक और बात मैंने देखी है जो मैं ऑनेस्टली बताना भी चाहता हूँ कि रिलेट करते हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हों पाकिस्तान की, और वो रिलेट करती हैं, क्या वजह है, क्यों रिलेट करती हैं पाकिस्तान की, जब जेंट्स की बात आती है, मैं जेंट्स करता नहीं हूँ तो इसलिए मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैंने देखा है जिस कोई भी बड़ी से बड़ी ब्रांड हो, उसको होता है यार अदनान सिद्दीकी ले लो, ये तो फिट हो जाता है बिल्कुल। यार ये तो फिर उनकी मेहरबानी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप लोग इस तरीके से सोचते हैं मेरे बारे में, सोचते रहें, लेते रहें। बहुत शुक्रिया अदनान, बड़ा एंजॉय किया और बड़ा जबरदस्त सेशन रहा। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया तुम्हारे साथ ही बात करने का, और अल्लाह ताला तुम्हारे इस यूट्यूब चैनल को इतना बड़ा करे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।